पाकिस्तान में सियासी संकट कायम है। वहां किसी तरह चुनाव तो हो गए लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर सरकार कौन बनाएगा और पीएम की गद्दी किसे मिलेगी। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी ने बड़ा आरोप लगा दिया है। बुशरा ने कहा है कि उन्हें जहरीला खाना खिलाया जा रहा है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है कि बुशरा बीवी को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हो। बुशरा बीवी को लेकर हमेशा से ही पाकिस्तान ही नहीं पाकिस्तान के पड़ोसी देशों में भी चर्चा होती रहती है। कहा जाता है कि बुशरा बीवी के पास जिन हैं वो जिनसे बातें करती हैं, तरह तरह की बातें हैं। लेकिन बुशरा बीवी ने अब यह आरोप लगा दिया कि उन्हें जहरीला खाना दिया जा रहा है, उनके खाने में एसिड मिलाकर उन्हें दिया जा रहा है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और बुशरा बीवी के प्रवक्ता मशाल यूसुफ जई के मुताबिक बुशरा बीवी ने उनका स्वास्थ्य खराब लगातार होने की शिकायत की है। उनका कहना है कि उनके खाने के साथ कुछ छेड़छाड़ की जा रही है, बुशरा बीवी को जहरीला खाना दिया जा रहा है। बता दें कि इमरान की पत्नी बुशरा को इस समय हाउस अरेस्ट में उनके बानी गाला वाले घर में ही रखा गया है। यहां से उन्हें कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है, इसे उप जेल भी कहा जा रहा है। खबरों की माने तो बुशरा ने उन्हें बताया कि 6 दिन पहले उन्हें खाना दिया गया था। उस समय उन्हें लगा कि जो खाना वो खा रही हैं वो काफी मसालेदार है। खाना खाने के बाद उनके मुंह और गले में छाले पड़ गए। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके खाने में एसिड मिलाया गया था। खाना खाने के बाद से उनका स्वास्थ्य लगातार खराब बना हुआ है। पीआईटी के वकील मशाल ने बताया कि बुशरा देश को बताना चाहती है कि जेल में उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। बुशरा ने आगे ये भी कहा कि उन्हें चाहे 1000 साल तक कैद में रखा जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा इमरान खान के साथ खड़ी रहेंगी। उन्होंने कहा कि वो अपने रुख पर कायम है और इमरान की ताकत साबित होगी। बता दें कि तोशखाना मामले में इमरान खान के साथ दोषी ठहराए गए बुशरा बीवी को उनके बागी गाला निवास पर कैद में रखा हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं। इमरान खान की पार्टी के निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान के चुनाव में धांधली पर इमरान खान की बहन अलीमा खानम कह चुकी हैं कि उन्होंने लोगों का मैंडेट चुराया है। चुनाव में कई पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने उन्हें जानबूझकर हराने का आरोप लगाया। अलीमा खानम ने बताया कि वोटों का अंदर जब 80,000 होगा तो इसकी भरपाई कैसे की जाएगी। 80,000 बैलेट लाकर बॉक्स में तो नहीं डाले जा सकते, इसलिए इसकी भरपाई के लिए संबंधित उम्मीदवार के फॉर्म में बदलाव कर दिए जा सकते हैं। अब पाकिस्तान में सियासी हलचल क्या है, ये तो पाकिस्तान के जो लोग हैं और पाकिस्तान के जो यहाँ पर शासन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से एक नई खबर ऐसी आ रही है जो वाकई चौंका देने वाली है।